इसका इस टाइप का क्वेश्चन का आपको पार्ट वन पिछले वीडियो में देखे होंगे आप, ठीक है। आज हम इसका पार्ट टू देखेंगे। आपको इस प्रकार का क्वेश्चन जो पी वाई क्यू के फॉर्म में सॉल्व करने में जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो आज ये पूरा कंप्लीट होने वाला, फिनिश होने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को आप काटने से पहले एक बार जरूर देखो। ये आपका आर एस अग्रवाल का 9th क्लास का बुक है, उसमें भी ये काम आ जाएगा, ठीक है। और आपको इस प्रकार के कंपटीशन में मिलेगा तो उसमें भी काम आ जाएगा, तो आप इसको जरूर देखो। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं इसका, तो उसको भी देखो, ठीक। क्योंकि वहाँ पर 2-3 प्रकार के टाइप का क्वेश्चन हम बता चुके हैं, यहाँ पर उससे और आगे है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलो बढ़ते हैं इसको। तो आपको हम वहाँ पर एक ट्रिक बताए थे, शायद आप लोग को याद होगा। तो क्या बताए थे, नंबर में से सबट्रैक्ट करते हैं, नॉन रिपीटिंग, ये नॉन रिपीटिंग है। बस अभी आप देखते जाओ, 1-2 क्वेश्चन के बाद आप खुद सॉल्व करने लगोगे, ठीक है। बस देखते जाओ, नॉन रिपीटिंग बटा में रिपीटिंग के लिए लिखते हैं 9, ठीक है, अभी बस देखते जाओ। और नॉन रिपीटिंग के लिए लिखते हैं, नॉन रिपीटिंग के लिए लिखते हैं 0, ठीक है। चलो तो ये हमारा ट्रिक है, आप बस सिर्फ इसको याद रखो, ये क्वेश्चन अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, मतलब अपने आप सॉल्व ये हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं, इसको बनाते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर हमारा पहला है 2.453 के पावर रेटिंग किया हुआ है। अब नंबर तो ये पूरा नंबर हो गया, नॉन रिपीटिंग हमारा कौन है, यहाँ पर नॉन रिपीटिंग 4 है। ये देखिए दोस्तों, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखे हैं इसका तो आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है, तभी समझ में आएगा। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, बस आप ध्यान से देखते जाओ कि हम क्या करते हैं, उसके बाद आप खुद समझ जाओगे। तो नंबर नंबर कितना दिख रहा है पूरे देख लो, तो ये सब के सब लिख दिए, ठीक है, माइनस माइनस। अब इसके बाद है नॉन रिपीटिंग, तो एक ये भी हो गया और एक ये भी हो गया, ठीक है, 4 भी और 2 भी है, तो पूरा लिख दो, जैसे है वैसे लिख दिए, ठीक है। चलो अब नीचे में क्या करना है, नीचे में आपको रिपीटिंग कितने नंबर रिपीटिंग हो रहा है, कितने डिजिट हो रहा है, 2 को डिजिट हो रहा है, 3 और 5 दो डिजिट हो रहा है, तो 2 को 9 बैठाएंगे। फिर इसके बाद है नॉन रिपीटिंग, तो देखो दोस्तों यहाँ पर एक बात खास करके ध्यान देना कि नॉन रिपीटिंग डेसिमल से इधर वाला के ही सिर्फ 0 लेंगे, डेसिमल को उधर वाला ना, उधर वाला रहे या ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, डेसिमल के सिर्फ इधर वाला ही लेंगे, ठीक है, तो इधर वाला का ही सिर्फ 1 0 लेंगे, ठीक है। चलो अब इसको कर देते हैं सॉल्व, तो बताओ इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो क्या ये इतना आएगा, 13 में से 4 जाएगा 9, फिर 4 में से 2 जाएगा तो 2, फिर 4 2 बटा में ये हमारा हो गया आंसर। अगर ये कटता तो ये जरूर कटता, आप काट करके देखेगा कट जाएगा तो ठीक है, नहीं तो इतना भी आंसर, ठीक है। चलो हम जानते हैं कि एक अब नहीं समझ में आया होगा, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं उठा करके, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, 1-3 क्वेश्चन करने दो आप खुद समझ जाओगे। सेकेंड क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलो अब पहले क्या बोलेंगे, पहले नंबर देखो ये कितना नंबर है, सब के सब लिख दो, लिख दिया। चलो इसके बाद माइनस, अब इसके बाद नॉन रिपीटिंग देखो कितने हैं इसमें, नॉन रिपीटिंग तो एक सिर्फ मिल रहा है, 3 ते यही मिला, इसमें तो नहीं है, इसमें सब पर ये रिपीट हो रहा है। इसके बाद है रिपीटिंग के लिए लिखते हैं 9, कितने रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3, ध्यान देना 1 2 3, तो 3 9 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नॉन रिपीटिंग के 0, तो क्या 0 लिख दें, नहीं यहाँ पर गलती हो जाएगा, आपको हम अभी बताएं कि डेसिमल के बाद वाला को नहीं लेना है यहाँ पर 0, यहाँ पर ऊपर में लिख सकते हैं, नीचे में 0 नहीं लेना है, ठीक है, नीचे में 0 नहीं लेना, सिर्फ इधर वाला रहता तो भी 0 लेते हैं। चलो अभी इसको करते हैं सॉल्व, बताओ ये 6 में से 3 जाएगा, 3 5 4 3 बटा में ये, ठीक है, ये कट रहा है का, इसको आप काट करके देखो,
ये कट रहा है तो काट दो, ठीक है, तो काट देते हैं तीन से, तीन से कट रहा है एक बार में, पांच बार में 15, एक बार में, और ये भी तीन से कट रहा है, तीन तीन तीन, फिर कट रहा है का, ये काटेगा तो ये नहीं कटेगा, ठीक है, चलो इतना आंसर है, आप काट के देख लेना, कटेगा तो इसको काट लेना, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, आ रहा है समझ में, अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, एक और क्वेश्चन उठाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारा 3.36 है, पहले नंबर देखो, नंबर ये हो गया हमारा पूरा माइनस का चिन्ह, इसके बाद नॉन रिपीटिंग है, इसके बाद ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग कितना है इसमें, सिर्फ तीन, डेसिमल के बाद वाला यहाँ पर ऊपर में ले लेना है, नीचे में नहीं लेंगे, इसके बाद है रिपीटिंग, रिपीटिंग कितने डिजिट पर, एक दो, दो डिजिट पर, तो दो को नौ लेना है, इसके बाद जीरो, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग यहाँ पर, यहाँ तो तीन लिखे थे नॉन रिपीटिंग, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे, इतना ही कर देंगे, अब इसको घटा देंगे तो हमारा इतना बचेगा, ठीक है, इसको काट लेना, काट करके इसमें नष्ट कर लेना, आंसर हो जाएगा, ठीक है, आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर देखो, क्वेश्चन नंबर फोर है हमारा 2.64, ठीक है, ये है, चलो इसको बनाते हैं, पूरा नंबर लिख दो, लिख दिया, माइनस का चिन्ह करो, इसके बाद नॉन रिपीटिंग दो सिर्फ है, लिख दो, इसके बाद रिपीटिंग दो डिजिट है, दो डिजिट, तो दो को नौ लिखेंगे, फिर इसके बाद है नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग यहाँ पर बोले इसका नहीं लेना, जीरो डेसिमल उधर आएगा तो भी लेना है, इधर वाला नहीं, तो ये हो गया हमारा, इसको घटा देंगे, हमारा हो गया आंसर, महज 5 सेकंड में बना सकते हो, ध्यान दिया तो, ठीक है, चलो ये हो गया हमारा आंसर, कटेगा तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो ये आंसर हो गया, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 1.333, ठीक है, ये है, चलो नंबर देख लो, देख लिया, इसके बाद नॉन रिपीटिंग एक है, बैठा दिए, रिपीटिंग कितना है, दो डिजिट पर, दो नौ लिख दिए, इसके बाद नॉन रिपीटिंग नहीं लिखना है, चलो इसको कर दिए, आ रहा समझ में, नॉन रिपीटिंग के लिए डेसिमल के इधर नहीं लिखते हैं, अब इसको घटा देंगे तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है, कट रहा है तो काट लेना, ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर, स्मॉलेस्ट करके आंसर देना चाहिए, ठीक है, हमें सब बताना है, इसलिए हम अगर काटेंगे थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम नहीं काट रहे हैं, आगे बढ़े, चलो अच्छा लगे दोस्तों तो जरूर लाइक करो, कमेंट करो कैसा लगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा कमेंट करते हो तो हमें और ऐसा लगता है जैसे कि तुम लोग आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कुछ जरूर बोला करो, ठीक है, कैसा लग रहा है, आगे क्वेश्चन, अभी कौन सा क्वेश्चन बताते हैं, हाँ 5 वगैरह 6 देखो, 6 क्वेश्चन नंबर है 2.05, इस पर ये रेकरिंग है, दोनों पर है, इसको बैठा दो, पूरा नंबर देख लो कितना है, हो गया, ठीक है, अब तुम भी साथ साथ करो, देखो पेन को भी लेकर के बैठो और साथ साथ करके एक बार वीडियो को रोको और उसको खुद से एक बार बना करके देखो, ठीक है, चलो इसके बाद है नॉन रिपीटिंग दो दिख रहा है, ठीक है, डेसिमल वाला, इधर तो सब रिपीटिंग है, इधर नॉन रिपीटिंग दो तो लिख दिए, इसके बाद है रिपीटिंग, रिपीटिंग के लिए हमारा दो डिजिट हो रहा है, नॉन रिपीटिंग तो नहीं लिखना है, डेसिमल के द्वारा नहीं लिखना है, अब इसको कर दो तो कितना आएगा, क्या इतना आ रहा है आंसर, इतना आ रहा है तो सही है, ठीक है, हाँ इसको काट भी सकते हैं, अगर कटेगा तो काट भी सकते हैं, चलो आगे बढ़े, मिटाएं इसको, क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 7, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, इससे पहले इसका पार्ट 1 पहले डला चुका है, तो ये पार्ट 2 है, उसमें बता दिए थे, तो देखा होगा तो और अच्छे समझ में आएगा, अगर नहीं देखा तो जाकर के उसको पहले देखो, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, 7 हमारा ये देखो बना करके, ठीक है, देखो इसको, रोको वीडियो को और देख बना करके देखो कि आ रहा है कि नहीं, चलो बनाते हैं इसको, पहले तो नंबर लिख लिया होगा, ठीक है, साथ साथ बनाते चलो और भी अच्छा है, अब इसके बाद नॉन रिपीटिंग कितना दिख रहा है, 18, इसके बाद रिपीटिंग, रिपीटिंग दो डिजिट पर है, दो, इसके बाद नॉन रिपीटिंग यहाँ पर नहीं लिखना है, डेसिमल के इधर वाला है, नीचे लिखेंगे, चलो और इसके बाद है तो इसको घटा देंगे, 8 में से 8 जाएगा 0, 4 में से 3 जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, 8, 1, इतना हमारा हो गया आंसर, ठीक है, आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 8 पर आए, चलो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा 1 पॉइंट, देखो इसको बना करके 1.323 है,
क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, 1.323, दो गो पर एक रिंग है। इससे और इस क्वेश्चन से और क्लियर होगा, देखो ध्यान से, पहले लिख लो पूरा नंबर लिख लिया, फिर इसके बाद नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग कितने नॉन रिपीटिंग, देखो ये भी है और ये भी है, तो साथ में इसे लिख दो, कुछ नहीं करना है बस। अब और क्या करना है, रिपीटिंग कितने डिजिट पर, दो डिजिट पर, तो दो को नौ बैठाया होगा। इसके बाद नॉन रिपीटिंग, अब देखो डेसिमल किधर वाला, कितने डिजिट नॉन रिपीटिंग है, एक ही है, तो एक ही जीरो बैठाएंगे, ठीक है। चलो अब इसको हटा देते हैं, तीन में से तीन जीरो, दो में से एक एक, तीन एक, ये हमारा हो गया आंसर। इसको काट भी सकता है, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये कट रहेगा, तीन से इसको काटेगा तो चार ते बारह, ये नहीं कटेगा, काट के देखना, कटेगा तो कटेगा, नहीं कटेगा तो हमारा इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो लाइक करो ताकि हमें भी पता चले कि आपको कितना अच्छा लग रहा है। चलो आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हमें उम्मीद है कि 9 बना लिया होगा। चलो नहीं बना है तो देख लो, यहाँ पर आंसर मिला लेना, क्योंकि हम आंसर इसका नहीं लिखे हैं इसलिए हम सब बता दे रहे हैं, नहीं तो होमवर्क में जरूर देते हैं। अब इसके बाद पूरा नंबर लिख लिए, नॉन रिपीटिंग कितने हैं, नॉन रिपीटिंग है एक दो, दो नॉन रिपीटिंग है, तो ऐसे इसको ही लिख देना है, जो दिख रहा है वैसे ही इसको लिख देना है, लिख दिए वैसे ही। इसके बाद रिपीटिंग कितने है, रिपीटिंग हो रहा है एक एक, नॉन रिपीटिंग कितने है एक दो, दो जीरो इसमें बैठेगा। अब इसको घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, 6, 3 इतना हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर, काट भी सकता है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर हमारा 10, आपके लिए आज 12 क्वेश्चन लेकर के आए हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 10, क्वेश्चन नंबर 10 लिख दिए हैं, ठीक है। चलो अब इसको देखो सॉल्व करके, खुद से प्रयास करो, जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छा रहेगा, उतना आपको मजबूत होगा कैलकुलेशन, तो ये ट्रिक तभी आपको यूजफुल हो सकता है जब आप इसको रिवीजन करोगे, ठीक है, तो एक ट्रिक तभी रिवीजन होगा जब आप मेहनत करोगे। आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देख लो इसको माइनस, इसके बाद देखो नॉन रिपीटिंग कितने हैं, नॉन रिपीटिंग आपको दो है, दो रिपीटिंग, दो डिजिट हो रहा है, दो को नौ बैठा दिए, ठीक है। इसके बाद है नॉन रिपीटिंग डेसिमल किधर वाला नहीं लेना है, डेसिमल को उधर वाला, उधर वाला है ही नहीं, नहीं लेंगे। इसके बाद इसको बैठा दिए, हमारा हो गया आंसर, मजा आ रहा है। चलो और मजा आएगा, कौन सा बना था, 10 था, अब देखते हैं 11 क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको देखो सॉल्व करके, बन गया तो समझो कि समझ में आ गया, तो चलो बनाते हैं। ये हो गया डेसिमल, पूरा नंबर के नंबर उतार दिए, नॉन रिपीटिंग कितने हैं, नॉन माइनस का चिन्ह दे दिए, नॉन रिपीटिंग देखो एकदम यहाँ तक लिख दो, इसको लिख दिया यहाँ तक, ठीक है, बटा का चिन्ह देंगे, रिपीटिंग कितने हैं, दो ही हैं, दो नॉन रिपीटिंग देखो डेसिमल के इधर वाला नहीं लेंगे, डेसिमल के उधर वाला लेंगे, एक दो, दो जीरो लेंगे। अब इसको घटा देंगे तो पाँच में से दो तीन, तीन में से एक दो, दो में से दो जीरो, और 11 में से तीन आठ एक तीन, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन जो उठा के लाए हैं ये आपको RS अग्रवाल में भी मिल जाएगा और आपके 9th क्लास NCERT बुक में भी मिलेगा, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन को बता दें, खैर आप पार्ट वन देखे होंगे तो बन जाएगा। चलो मिटाते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का 0.0032, इस पर इसको सॉल्व करते हैं, आपको जितने नंबर दिख रहे हैं उसको बैठा दो, तो नंबर तो सिर्फ यही दिख रहा है, ठीक है, माइनस का चिन्ह लगा दो। नॉन रिपीटिंग कितने हैं, नॉन रिपीटिंग, अब जीरो नॉन रिपीटिंग है तो इसको मत लिखो, ठीक है, मत नहीं लिखते हैं, लिखने का मन है तो लिख दो, यही तो है, लिख दो। रिपीटिंग कितने हो रहे हैं, दो डिजिट हो रहे हैं, तो दो को नौ बैठा दिए। नॉन रिपीटिंग इसमें है ही नहीं, ठीक है, तो जीरो नहीं लेंगे। चलो तो ये हो गया हमारा 32/99, ये 99 हो गया हमारा आंसर। तो कैसा लगे दोस्तों हमारा वीडियो, अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और इसी प्रकार से आपको और भी मज़ेदार वीडियो चाहिए तो आप हमें ज़रूर एक बार बोल करके देखो, हम आपके लिए ज़रूर, अगर कहीं दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करो, हम उसको ज़रूर सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।